आईपीएल 2023 का 34वां मैच जो कि खेला जाएगा सनराइजर हैदराबाद वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच। आपको स्टूडेंट दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड और बहुत सारे रिकॉर्ड के साथ साथ दोनों टीमों का टीम कंपैरिजन और टीम एनालिसिस करने के बाद आपको स्टूडेंट पर्सनल मैच प्रेडिक्शन बताया जाएगा। आखिर मुझे लगता है दोनों टीम कौन सी टीम मैच को जीत सकती है, मैच को विन कर सकती है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को जरूर से देखें। चलिए आज की हमारी स्टूडियो को जो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे मतलब कि किसके बारे में, मोहित भाई के बारे में। अगर आप भी टॉस और मैच पढ़ी नहीं जाते हो तब इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उनका नंबर आपको स्क्रीन पर और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। काम बहुत अच्छा तो कॉन्टैक्ट आप जाके मतलब कि कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इन दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में, क्योंकि आपको पता ही होगा किसी मैच जीतने के लिए हेड टू हेड रिकॉर्ड कितना ज़्यादा जो है मायने रखता है। अगर इन दोनों टीमों के हेड टू रिकॉर्ड की बात करें ना, तो लास्ट के 5 T20 मैच में जब यही दोनों टीमें आपस में भिड़ी है, तो आपको बता दूं कि 4 बार जो है दिल्ली कैपिटल्स की टीम जो है सनराइजर हैदराबाद की टीम से जीती है, वहीं केवल एक बार जो सनराइजर हैदराबाद की टीम जो है दिल्ली कैपिटल्स की टीम से जीत पाई है। लास्ट मैच जो इन दोनों टीमों के बीच हुआ था जो कि आईपीएल 2022 में खेला गया था, ठीक है, जिस मैच में भी दिल्ली कैपिटल्स की टीम जो फर्स्ट बैटिंग करते हुए सनराइजर हैदराबाद की टीम से 21 रन के बड़े अंतर से जो है जीत गई थी। यानी कि लास्ट मैच जो इन दोनों टीमों के बीच हुआ था, कौन यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स की टीम जो है जीत कर आ रही है। वहीं अगर बात करें यहाँ पे दोनों टीमों के रिसेंट फॉर्म के बारे में, सनराइजर हैदराबाद की टीम की रिसेंट फॉर्म की बात करें तो लास्ट के 5 मैच जो खेली है 3 मैच हारी है, 2 मैच जीती है। बात करें दिल्ली कैपिटल्स की टीम की रिसेंट फॉर्म की, तो लास्ट के 5 मैच जो खेली है 4 मैचेस यहाँ पे हारी है, केवल एक मैच जो यहाँ पे जीती है। वहीं अगर बात करें दोनों टीमों की यहाँ पे आईपीएल 2023 के लास्ट मैच के बारे में, तो आपको बता दूं सनराइजर हैदराबाद की टीम अपना लास्ट मैच यहाँ पे हार के आ रही है, दिल्ली कैपिटल्स की टीम अपना लास्ट मैच जो है यहाँ पे जीत कर आ रही है। वहीं अगर बात करें यहाँ पे दोनों टीमों के टीम कंपैरिजन की, तो सनराइजर हैदराबाद की टीम की बात करें तो लास्ट के 10 मैचेस सनराइजर हैदराबाद की टीम सभी टीमों के साथ खेली है, तो 30% जो है सनराइजर हैदराबाद की टीम का विनिंग परसेंटेज रहा है। एवरेज स्कोर की बात करें 153 का यहाँ पे एवरेज स्कोर रहा है, हाईएस्ट स्कोर है 228 रन का, वहीं लोएस्ट स्कोर है यहाँ पे 121 रन का। बात करें दिल्ली कैपिटल्स की टीम की, तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम लास्ट के 10 मैचेस जो सभी टीमों के साथ खेली है, तो 30% दिल्ली कैपिटल्स की टीम का विनिंग परसेंटेज रहा है। एवरेज स्कोर की बात करें 149 का यहाँ पे एवरेज स्कोर रहा है, हाईएस्ट स्कोर है 172 रन का, वहीं लोएस्ट स्कोर है 117 रन का। वहीं अगर बात करें यहाँ पे दोनों टीमों की टीम एनालिसिस की, जो कि वीडियो को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसे बिल्कुल ही मिस मत किया कीजिएगा। अगर यहाँ पे दोनों टीमों की टीम एनालिसिस की बात करें, तो आपको बता दूँ कि दिल्ली कैपिटल्स हो या हो सनराइजर हैदराबाद की टीम, दोनों टीमों की ओपनिंग सजारी मुझे यहाँ पर कमजोर ही लग रही है, ठीक है। मिडिल ऑर्डर में सनराइजर हैदराबाद की टीम दिल्ली कैपिटल्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बैटिंग डेप्थ दोनों टीमों के पास है, पेस बॉलिंग में दोनों टीमें स्ट्रॉन्ग है, स्पिन बॉलिंग में दोनों टीमें एवरेज टाइप के ही है, ठीक है। अब बात कर ले दोनों टीमों की आईपीएल 2023 के लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल के बारे में, तो आपको बता दूं कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस पॉइंट्स टेबल में नंबर 10 पे है, सबसे आखिरी नंबर पे, ठीक है। वहीं सन हैदराबाद की टीम इससे थोड़ा सा ऊपर यानी कि नंबर 9 पे है, ठीक है, यानी कि सेकंड पोजीशन पे नीचे से। दिल्ली कैपिटल्स की टीम आईपीएल 2023 में अभी तक टोटल जो है यहाँ पे 6 मैच खेली है, जिसमें 1 मैच जीती है, 5 मैच बैक टू बैक जो है हारी है, ठीक है। बात करें सनराइजर हैदराबाद की टीम की, तो सनराइजर हैदराबाद की टीम भी आईपीएल 2023 में अभी तक टोटल यहाँ पे 6 मैचेस खेली है, 2 मैच जीती है, 4 मैचेस जो है हारी है, ठीक है। दोनों टीमों के नेट रन रेट की बात करें, तो दोनों टीमों का नेट रन रेट भी जो है माइनस में अभी चल रहा है। बात करें दोनों टीमों की, तो आपको बता दूं दिल्ली कैपिटल्स की जो है आईपीएल 2023 का शुरुआत जो है इतना अच्छा नहीं हुआ, बैक टू बैक मैचेस जो है हार रही थी, ठीक है। 5 मैचेस लगातार हारने के बाद जो है लास्ट वाला अपना मैच जो है जीत के आ रही है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। बात करें सनराइजर हैदराबाद की टीम की, तो सनराइजर हैदराबाद की टीम का भी जो आईपीएल 2023 का शुरुआत मतलब हार के साथ ही हुआ था, बट बीच में जो है बैक टू बैक 2 मैचेस जीते थे, ठीक है, उसके बाद जो है फिर बैक टू बैक ये लोग 2 मैच जो है हारे हैं। चलिए बात कर लेते हैं मेरे यहाँ पर्सनल मैच प्रेडिक्शन के बारे में, लेकिन उससे पहले आप जरा देख लो अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया कि नहीं किया। अगर नहीं किया तो फटाफट जाओ जाके ज्वाइन कर लो। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री में जो मैच का प्रेडिक्शन दे दिया जाता है, और जैसे कि आपको पता है इस मैच के बाद ही बहुत सारे मैचेस आने वाले, बहुत सारे आईपीएल के मैचेस ही आने वाले हैं। अगर कोई सही मैच का प्रेडिक्शन बिल्कुल फ्री में चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर ले, लिंक मैंने इसी वीडियो को जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री में मैच का प्रेडिक्शन दे दिया जाता है, ठीक है। और आपको बता दूँ कि आपको चैनल मैच प्रेडिक्शन के साथ साथ मैच शुरू होने से पहले जितनी ब्रेकिंग न्यूज आती है, जितनी बड़ी बड़ी खबरें आती है, वो भी सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर जो चल जाता है। मैच की पल पल की अपडेट आपको बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल मिलती रहती है। तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सिंपल लिंक पर क्लिक करके जो है आप लोग जाकर ज्वाइन जो है कर सकते हो। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको चाहता हूँ यहाँ पे मतलब कि मोहित भाई के बारे में, अगर आप भी टॉस और मैच पढ़ी जाते हो तब इससे
कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उनका नंबर आपको स्क्रीन पर और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। इनका काम बहुत अच्छा है, कॉन्टैक्ट टाइप जाके मतलब ही कर सकते हो। बात करें मैं पर्सनल मैच प्रेडिक्शन की, तो आपको बता दूं दोनों टीम का टीम कंपैरिजन और टीम एनालिसिस करने के बाद जहां तक मुझे लगता है इस समय कौन आपको दिल्ली कैपिटल्स की टीम आपको इस मैच को जीतती हुई, इस मैच को विन करती हुई दिखाई दे सकती है। बट आपको बता दूं ये मेरा मैच का फाइनल अपडेट नहीं है। मैच देखो कभी कभी ऐसा होता है ना, मैच शुरू होने से पहले मैच कोई बड़ी खबर है जिसका मैच का प्रेडिक्शन चेंज भी हो सकता है, इसलिए बोला मैच का फाइनल अपडेट, मैच का फाइनल प्रेडिक्शन जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है जरूर से ज्वाइन कर लो, लिंक मैंने इसी वीडियो को जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लेकिन टेलीग्राम चैनल से पहले वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय। फाइनल प्रेडिक्शन के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर ले, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। मिलते हैं किसी और वीडियो में।